हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू देने वाले हैं। एक नई मूवी आने वाली है 29 मार्च को, गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। तो आज जो है उसका ट्रेलर 2 रिलीज हुआ है, तो आज हम उसी पे रिएक्ट करने वाले हैं कि कैसा ट्रेलर है मैं आपको बताऊंगा, और हम ट्रेलर 1 पे ही बात करेंगे, और हाँ साथ ही साथ हम ट्रेलर 2 में कुछ छुपी हुई हिडन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम देखेंगे इसका ट्रेलर 2, तो चलिए देखते हैं फिर उसके बाद इस पर रिएक्ट करेंगे। देखते हैं उसका ट्रेलर तो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा। इसमें VFX हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं पिछले ट्रेलर के हिसाब से। अब मैं आपको बताऊँगा इसके ना कुछ हिडन छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपने शायद नोटिस नहीं की होंगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो आपने सीन देखा था ये हमें ट्रेलर 1 में भी दिखाया गया था, कैसे पिरामिड्स के पास से कॉन्ग का मेटल आर्मर का वाला हाथ निकलता है बाहर, और फिर अंदर जो है कुछ लाइटिंग्स भी होती हैं जो कि शीमू की भी हो सकती हैं शायद। तो चलिए अब हम और चीज़ें नोटिस करते हैं। The Titans were the guardians of nature. देखा गॉडज़िला किस तरह बहुत गुस्से में लग रहा था, जो कि सारे ब्रिजेस तोड़ते हुए जो इतनी स्पीड में आ रहा था गॉडज़िला। आपने नोटिस किया होगा इसमें गॉडज़िला जो है इवॉल्व हो चुका है, गॉडज़िला पिंक गॉडज़िला हो चुका है। तो गॉडज़िला बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, अभी हमें पता नहीं हो किस टाइटन की वजह से इतने गुस्से में होगा। अभी आपने इस सीन में जो देखा, जिया बैठी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी, इतने में स्नो आने लगी वहाँ पे, एंड जो टाइम दिखाया था 13 वहाँ पे भी कुछ ग्लिच होने लगा। तो ये हो सकता है कि जिया को विजन आ रहा हो कि शीमू और स्कार्किंग कैसे मिलके सबको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, ये इस चीज़ दिखा सकता है। Kong, Godzilla, they can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? Though you never ask. तो जो क्लिप आपने अभी देखी है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह जो सिग्नल्स उन्हें मिले वो जिया को भी फील हो रहे हैं वो सिग्नल्स किसी टाइटन के आने के। तो फिर यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रही कॉन्ग खड़ा हुआ है, उसके पीछे शेडो आ रही है बहुत बड़ी। काफ़ी लोग ये समझ रहे होंगे कि वो शेडो गॉडज़िला की है, पर वो ऐसा नहीं है। जो कॉन्ग के हाथ में मेटल आर्मर है वो उसको क्रेन से लाया जा रहा है, तो उसकी शेडो है। तो चलिए आप आगे नोटिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीन में आप देख सकते हैं किस तरह कॉन्ग होलो अर्थ में जा रहा है और उसके साथ छोटी सी स्पेसशिप भी जा रही है। अब ये यहाँ पे मिलता है सुको से, यानी मिनी कॉन्ग से। ये मिनी कॉन्ग अभी हालांकि स्कार किंग के साथ काम कर रहा है, लेकिन बाद में जब कॉन्ग इसको बचाएगा तो ये कॉन्ग की टीम में आ जाएगा। उन्होंने एक एग जैसी चीज को छुआ है जिसके अंदर मोथरा भी हो सकती है, बिकॉज वो ब्लू हो रहा है। और ये जो आप निशान देख रहे हैं ये किसी कॉन्ग का नहीं, ये सिर्फ स्कार किंग का है। और यहाँ पे हम स्कार किंग की ग्लोइंग आईज देख सकते हैं, जहाँ पे ये सब लोग, जहाँ पे कॉन्ग और स्कार किंग की बहुत गंदी तरीके से फाइट हुई है। और यहाँ कॉन्ग को मिला है शीमू, ये देखिए दोनों बीच में कैसी फाइट हो रही है, जहाँ शीमू भी अपनी आइस पावर से कॉन्ग का अटैक कर रहा था। और ये सीन है हमारे ट्रेलर 1 का। और इस सीन में आप देख सकते हैं जिस तरह ब्राजील पे शीमू का अटैक हो चुका है, और यहाँ गॉडज़िला भी कॉन्ग के साथ लड़ रहा है पिरामिड्स के साथ। और यहाँ गॉडज़िला इवॉल्व होने आया है, लेकिन यहाँ की मिलिट्री उसे बहुत मार रही है।
made some minor augmentations. Oh. और फ्रेंड्स इस सीन में हम देख सकते हैं किस तरह कॉन्ग का मेटल आर्मर तैयार हो रहा है और यहाँ स्कार किंग ने पूरी बिल्डिंग को उठा के कॉन्ग के पर फेंका, बट कॉन्ग कुछ नहीं है उसके मेटल आर्मर की वजह से। मेरी आज की वीडियो तो ये ख़त्म होती है, और आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा कि आपको और कौन सी मूवीज़ के रिव्यूज़ चाहिए। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।